तो दोस्तों देख सकते हैं ये अंकल जी है ना बाद में बनाया, ठीक है। और ये देख लो भाई, ये कभी पहले ही है, ये भी बजट के टाइम का ही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका परिवार रहता है जी, ठीक है। ये देख लो जी, यहाँ की यहाँ उतनी कमरे ही नहीं, इससे ज़्यादा है मतलब बना रखे जैसे। अच्छा, तो सब बाहर ही हैं जी, तो किसान भाइयों देख सकते हैं ऊपर भी कमरे बना रखे हैं दो तीन, ठीक है। और ये देखो ये रसोई घर होगा जी सामने, ये देखो भाइयों। तो दोस्तों हम तो ये चाहते हैं जो हमारे भाई है, भाई गांव की जमीन ना छोड़ा और गांव के अंदर ही मकान बनावे। ये बब्बा जीर का नाम दिख रहा क्या, खचेड़ू सिंह, क्या नाम है जी, खचेड़ू सिंह, ये बब्बा जीर का नाम है ना। ये देखो भाई, उस टाइम पे ऐसे घर बनवाए जाते थे, बड़ा सुंदर घर है जी, ठीक है। ये देख लो जी, तो किसान, तो अंकल जी जैसे मैं देख रहा हूँ जमीन कितनी बोर है फिलहाल आज के टाइम पे, 125 बीघे। और बब्बा जीर के टाइम पे कितनी थी इनके टाइम, इनका टाइम चल रहा। अच्छा, उस टाइम से मतलब आपने जमीन बढ़ाई है, फिर उसके बाद बढ़ाई है ना। तो और जो आपके भाई है मतलब कामयाब है, हेड मास्टर है वो, कोई मास्टर हैं, ठेकेदार हैं जी, और नौकरी कर रहे हैं बालक जी। आप यहाँ के रहकर मतलब खेती बाड़ी संभालते हो, तो आपके जो लड़के हैं वो भी सब बाहर ही हैं। सब बाहर जी। तो आप अपना यहाँ खेती बाड़ी करते हो गाँव, तो रहने का मुझे गाँव में है या शहर में है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी। हम तो शहर में रहे नहीं। नहीं, आपको कैसा लगता है गाँव में अच्छा लगता है या शहर में? गाँव तो अच्छा है ही, गाँव में तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो शहर की तरफ को भाग रही है गाँव छोड़ के, जो कि आज के टाइम में देखो जी गांव की शुद्ध हवा है। नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो भाइयों आज मैं आया हूँ ग्राम धंदोपुर में, और यहाँ पर बड़े शौकीन किसान रहते हैं जी, देख सकते हैं। और अंकल जी से बातचीत भी करेंगे, झोटा है जी अग्रेसर बढ़िया ये देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर इनका मकान है जी। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अमरपाल जी के मकान पर, जो कि धंदोपुर के रहने वाले हैं। और ये देख सकते हैं भाइयों, बहुत ही सुंदर मकान है, बब्बा जीर के टाइम पर बनवाया था उन्होंने, ठीक है। और जस्ट इधर साइड में इनकी भैंसे हैं, और ये अंकल जी हमारे किसान ही, कच्चे वाले पक्के वाले, कच्चे वाले किसानों पक्के वाले, जैसे भी करते हो। हल्के माड़े दिखो, हैं हल्के माड़े दिखो अंकल जी, जैसे भी समझ लो। तो पहले तो भैंस बहुत रहती होगी, ये देख सकते हैं दोस्तों। और हम आपको थोड़ा सा बब्बा जी से परिचय करवा दूँ, बब्बा जी हैं इधर साइड में, इनके ट्रैक्टर है जी, ये देख सकते हैं। बब्बा जी राम राम, वहाँ ठीक हो? किसान भाइयों को थोड़ा सा परिचय दे दो जी आपका, आपका नाम जी? देव सिंह। अच्छा, जैसे ये मकान है ये तुम्हारे टाइम का ही है जी? हाँ। तुमने बनवाया था, कौन से सन में बना था? ये तो काफी पहले बना था, हो गए होंगे 60 या 60 साल। हाँ। है ना। हाँ। दोस्तों देख सकते हैं कड़ियों का है भाइयों, कभी पहले ऐसे मकान चला करते थे, ठीक है। अरे बब्बा जी हमने बनवाया था, ठीक है। और बात कर दो बब्बा जी अपना, साथ साथ अपना खेती बाड़ी करते हो जी? हाँ जी। अच्छा, ये आपके लड़के हैं? अच्छा, कितने लड़के बब्बी थारे? अच्छा, और अच्छा वे क्या कर रहे हैं? वे भी खेती कर रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ तो मैं हूँ बस। अच्छा, क्या कर रहे जी जो तुम्हारे भाई? और भी मास्टर हैं, ठेकेदार हैं जी। और खेती बाड़ी आप ही संभालते हो गाँव के अंदर है? तो जो खेती बाड़ी है लगभग वैसे सिंपल ही कर रहे हैं या नई तकनीक द्वारा भी अपना रहे, कोई जैसे ट्रंच का गन्ना बो रहे हैं बहुत से किसान? ट्रंच का बो रहे हैं जी। तो यो जी पहले है ये यहाँ पे, जैसे कोई बाहर का आदमी यहीं रुकता है इधर है। अच्छा, उधर साइड में अपने बाद में बनाया है, थोड़ा सा उधर से दिखा दो, आ जाओ। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, ये अंकल जी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो भाइयों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अंकल जी हैं ना बाद में बनाया, ठीक है। और ये देख लो भाइयों, कभी पहले ही है, ये भी बजट के टाइम का ही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका परिवार रहता है जी, ठीक है। ये देख लो जी, यहाँ की यहाँ उतनी कमरे ही नहीं, इससे ज़्यादा है मतलब बना रखे जैसे। अच्छा, तो सब बाहर ही हैं जी, तो किसान भाइयों देख सकते हैं ऊपर भी कमरे बना रखे हैं दो तीन, ठीक है। और ये देखो ये रसोई घर होगा जी सामने, ये देखो भाइयों। तो दोस्तों हम तो ये चाहते हैं जो हमारे भाई है, भाई गांव की जमीन ना छोड़ा और गांव के अंदर ही मकान बनावे। ये बब्बा जीर का नाम दिख रहा क्या, खचेड़ू सिंह, क्या नाम है ये, खचेड़ू सिंह, ये बब्बा जीर का नाम है ना। ये देखो भाई, उस टाइम पे ऐसे घर बनवाए जाते थे, बड़ा सुंदर घर है जी, ठीक है। ये देख लो जी, तो किसान भाइयों आज मैं आया हुआ हूँ, और ये अंकल जी हमें काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर, ठीक है। ये देख सकते हैं भाइयों, अब चलते हैं भाइयों, ठीक है। और हम तो ये चाहते हैं जो भाई है, गांव की ज़मीन ना छोड़ा और गांव के अंदर ही मकान बना हुआ जी। इधर साइड में इनके अंकल जी तुम्हारे कृषि अंदर हैं, ये देखो भाई, देखो भैंस अब भी दिखा जी, ये देख लो जी, ये देखो। तो अंकल जी जैसे मैं देख रहा हूँ जमीन कितनी बोर है फिलहाल आज के टाइम पे, 125 बीघे। और बब्बा जीर के टाइम पे कितनी थी इनके टाइम, इनका टाइम चल रहा। अच्छा, उस टाइम से मतलब आपने ज़मीन बढ़ाई है, फिर उसके बाद बढ़ाई है ना। तो और जो आपके भाई है मतलब कामयाब है, हेड मास्टर है वो, कोई मास्टर हैं, ठेकेदार हैं जी, और नौकरी कर रहे हैं बालक जी। आप यहाँ के रहकर मतलब खेती बाड़ी संभालते हो, तो
तो आपके जो लड़के हैं वो भी सब बाहर ही है? सब बाहर जी। जी तो आप अपना यहाँ खेती बाड़ी करते हो गाँव, तो रहने का मुझे गाँव में है या शहर में है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी। हम तो शहर में रहे नहीं। नहीं, आपको कैसा लगता है गांव में, अच्छा लगता है या शहर में? गांव तो अच्छा है ही, गांव में तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी जी, तो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो शहर की तरफ को भाग रही गांव छोड़ के, जो कि आज के टाइम में देखो जी गांव की शुद्ध हवा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है दो सब चीज़ मिल जा जो कि शहर में नहीं मिल पाता। और जो बालक तो भाग रहे हैं, जब जो नौकरी कर रहे हैं वे हिस्सा कैसा करें? हाँ जी, जो बब्बा जी हाँ मजा वो शहर में थोड़ी हो जाएगा ना, बताओ हैं या है? गाँव में मजा लगा है, पूरा जी लगा सारा गाँव में। तो दोस्तों और नू बताते गया जी, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी आए, इन्होंने खेती बाड़ी भी की यहाँ है, सही बात है ये? हाँ। यहाँ पे रुके थे वे? हैं अच्छा, तो मतलब यहीं पे आज़ादी के टाइम पर आए हो कभी? हाँ। तो यहाँ पे भाइयों लाल बहादुर शास्त्री भी आए हैं। अंकल जी थोड़ा सा एक बार अपनी ये बैठक दिखा दो मेहमानों की, आ जाओ। और इधर साइड में ट्रैक्टर भी है इनका 265 DI, ठीक है अभी स्टार्ट हो जाओ जैसे हो। ये जी बैठक है, ये देख सकते हैं भाइयों। और यहाँ पे देखो भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, बहुत ही सुंदर अच्छी तस्वीर लगवाई हुई है बैठक के अंदर, ठीक है ये देख लो भाइयों। जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता है तो वो यहीं पे आके बैठता है बाबा जी धोरे, ठीक है। और ट्रैक्टर भी है अंकल जी, ट्रैक्टर बैठे काम कर रहा, स्टार्ट हो जाए जैसे, स्टार्ट करके दिखा दोगे थोड़ा? इससे पहले भी कोई ट्रैक्टर रखा जी या जब से महेंद्र रखते आ रहे? मैसी। मज़ा किस आवाज़ चलाने में? अच्छा, इसमें ज़्यादा मज़ा आता होगा अंकल जी? ये देखो भाइयों अभी स्टार्ट करके दिखाएंगे, अंकल जी का ट्रैक्टर भी है जी। और इधर साइड में अंकल जी का बहुत ही सुंदर घर है जी, ये देख सकते हैं। अबे आवाज देखना इसकी, ये देखो भाइयों फुहारे के नारे करते भाइयों। जैसा यूज कर रहे मैस्सी को ज़्यादा चलाने में मज़ा आता है, ऐसा हो? मैस्सी तो इससे अच्छा है, इससे अच्छा है। तो जैसे आप यूज कर रहे हैं महिंद्रा का, आज तक कोई दिक्कत आई महिंद्रा ट्रैक्टर में? बड़ा काम करता जी, तेल के खर्चे की बात करूँ तो? तेल का खर्चा तो इसका कम है, उससे कम ही है ही है। अच्छा देखो भाई, 265 DI अंकल जी के पास ट्रैक्टर है जी। और बात करें तो जी आपके बुजुर्ग के टाइम पर बैल घोड़ी पौड़ी सब रही, सब थी? तो दोस्तों इनके बुजुर्ग के टाइम पर घोड़ी पौड़ी भी थी, ठीक है। और अब डंगर इस वजह से कम करने पड़ जाएंगे जी, फिर तो इनका फिर नौकर वगैरह रखना पड़ा अलग से। और ये देख सकते हैं भाई, ये था अंकल जी का मकान जो कि आज हमने आपको दिखाया। इधर साइड में अंकल जी आपकी गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर है ना ये? और इधर साइड में ये देख सकते हैं भाइयों, एक यहाँ पे हारा है, जैसे कि इसमें तो पानी गर्म करते होंगे सुबह के टाइम में ना, ये देख सकते हैं। ये चारा काटने की मशीन इधर साइड में, ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर मकान है जी हमारे अंकल जी का। और अंकल जी भी एक बात कहते हैं कि अपना गाँव में रहो, ठीक है।